यस मेरे दोस्तों, भाइयों, सीए वासियों, आपके लिए केस स्टडी सीरीज शुरू हो गई है। ये क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर वन आपने शायद देख लिया होगा सर। तो केस स्टडी सीरीज का क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने आ रहा है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने आई होप अमेंडमेंट लेक्चर जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे नवंबर 20 के लिए, वो देख लिए होंगे। आपने चैप्टर वाइज हर चैप्टर का रिवीजन लेक्चर जो मैंने अमेंडमेंट के साथ अपलोड किया है वो भी आपने देख लिया होगा। प्लस आरटीपी एमटीपी जो हमने सॉल्व करी थी वो भी अपलोड कर दी, वो भी आपने देखा होगा। प्लस एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस बाय आईसीआई, जो आईसीआई ने इशू किए थे एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, उसमें से 152 क्वेश्चन में से 147 ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में कवर था। आज पांच क्वेश्चन जो एडिशन थे जो कोई खास नहीं थे, वो भी लेक्चर मैंने अपलोड करके यूट्यूब पर डाल दिया है। शायद ये सारे लेक्चर आप देख चुके हो। प्लस जो यूट्यूब पे लाइव डाउट सेशन होते हैं उन सब पे आप अपने डाउट भी सॉल्व कर रहे हो, और आपके लिए ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सर आपको इंडायरेक्ट टैक्स को लेके सर एक बहुत ही अच्छे लेवल पर लेके जाएगी, और सर सारे प्रॉब्लम्स आपके सोल्व, और माहौल होना चाहिए एग्जाम्स के अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अलग लेवल पर होना चाहिए, क्योंकि कोरोना महामारी ने हम सबका माइंड डिस्टर्ब कर दिया है। पर सर ये सब तैयारी आपके लिए, क्योंकि आपकी सक्सेस ही हमारी सक्सेस है, और आपको इंटरनेट टैक्स में सक्सेस कराने का जिम्मेदारी मेरा है। देखिए केस स्टडी नंबर टू, आइए स्क्रीन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट टॉपिक से रिलेटेड ये मैंने केस स्टडी दी है, देखो ध्यान से सरकार। आइए, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिसको मैंने एमसीक्यू फॉर्म में कन्वर्ट किया है, बनाया है, ध्यान से देखिएगा आप साहब। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके बेटा। सर केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट, सर मार्क्स मैंने ब्लैंक रखा है, आप 10 मार्क माने चले, इतना अच्छा क्वेश्चन है सर। ये अगेन सर मेसर्स मंगल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, मैन्युफैक्चरर्स 3 टैक्सेबल प्रोडक्ट्स ए बी और बताओ थर्ड क्या होगा, सी। माहौल सर टैक्स ऑन सी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, अच्छा तो रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, हम पे नहीं करेंगे सर। सब द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड्स टैक्सेबल कंसल्टेंसी सर्विसेज, ओके कंसल्टेंट सर्विस भी हम देते हैं सर टैक्सेबल, ओके सर पर्टिकुलर्स दे रखे इसने, द कंपनी इज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, ओके जुलाई मंथ का डेटा इसने दे रखा है, टर्नओवर वगैरह सब दे रखे। एक बार हम क्वेश्चन के एंड में जाते हैं और देखते हैं, अच्छा इसने एमसीक्यूज, ओके तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप एक एक एमसीक्यूज देख लीजिए बेटा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए वापस क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, इतना टाइम मिलता नहीं है। सो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पर हाँ ऊपर जो नोट दे रखा वो पढ़ लीजिए एटलीस्ट। नोट क्या दिया बेटा, अज्यूम दैट, जहां बॉक्स खत्म हो रहा वहां नोट दिया है, अज्यूम दैट द रेट ऑफ जीएसटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर 12% एंड 18% रेस्पेक्टिवली, इग्नोर सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी सेपरेटली, ओके अपनों को सिंपल जीएसटी निकालना साहब। ऑल द कंडीशंस व्हिच आर नेसेसरी फॉर अवेलिंग द आईटीसी हैव बीन कंप्लाइड विद, वेरी गुड। ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी वेयर एवर एप्लीकेबल, ओके फिगर्स विदाउट जीएसटी है, एंड आईटीसी अवेल करने की जो भी कंडीशन है वो उसने अवेल कर रखी है, पूरी कर रखी है साहब, कोई दिक्कत नहीं। और जीएसटी सीजीएसटी हो एसजीएसटी हो या आईजीएसटी उसको इग्नोर करके डायरेक्ट जीएसटी कितना अमाउंट होता है वो निकालना है, ओके। एमसीक्यू नंबर वन क्या पूछता है पहले वो पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे ऊपर टेबल पढ़ेंगे। हाउ मच इज द ग्रॉस अमाउंट ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ मेसर्स मंगल इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई का इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है, और इसने पूछ लिया क्या ग्रॉस अमाउंट ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ मेसर्स मंगल इंडस्ट्रीज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ग्रॉस लाइबिलिटी बेटा, नेट लाइबिलिटी नहीं पूछा इसने, मतलब बिफोर आईटीसी कितना ग्रॉस लाइबिलिटी है ऑन आउटवर्ड सप्लाई, ओके देख लेते सर हम। रेट ऑफ जीएसटी हमको बताया गुड्स पे 12 है और सर्विसेज पर 18 है साहब, ध्यान रखिएगा। इस तरह के जब बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो रफ आपको रफ वर्किंग करनी चाहिए, सो दैट एरर फ्री काम हो, क्योंकि बहुत जल्दीबाजी करने से मिस्टेक के चांस पूरे होते हैं बेटा आपके लिए, ओके और एग्जामिनेशन प्रेशर में तो मिस्टेक के चांस हमेशा रहते ही है, ओके देखना माइक मामा तैयार है आपके लिए, ओके सर। माहौल टर्नओवर ऑफ ए, अच्छा ए बी और सी तीनों टैक्सेबल है, पर सी पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, हमारी लाइबिलिटी आएगी नहीं सब, हमारी लाइबिलिटी निकालनी हमको, तो ए 50 लाख का है सब, ओके बी टर्नओवर दे रखा है 20 लाख का, सी का टर्नओवर कितना भी हो हमें कंसर्न नहीं क्योंकि उस पर लाइबिलिटी हमारी नहीं है सर, ओके देन एक्सपोर्ट ऑफ ए विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, ओके तो सर हमने बॉन्ड साइन नहीं किया और आईजीएसटी पे करके फिर एक्सपोर्ट किया, तो सर गुड्स है तो 12% रेट है साहब, तो 50 लाख इंटू 12% करेंगे ए पर, बी पर 20 लाख इंटू 12% करेंगे, अभी वर्किंग हम बाद में कर लेंगे, मैं लिख लो के लो आप रफ में, आप एक्सपोर्ट ऑफ ए
जो एक्सपोर्ट आपने किया है वो कितने का किया बेटा? 10 लाख का किया है। अगेन 12% IGST लगेगा इसमें साहब। ओके, अब कंसल्टेंसी सर्विसेज, सर्विसेज पे 18% टैक्स साहब। कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इंडिपेंडेंट क्लाइंट लोकेटेड इन फॉरेन कंट्रीज अंडर LUT मतलब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। ओके, सप्लायर इंडिया का है, मंगल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया का है। सर सर्विसेज ने आउट ऑफ इंडिया वाली कंपनी को दी कंसल्टेंसी बेटा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई रेसिपिएंट का लोकेशन होगा साहब, और पेमेंट कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आया है, और दोनों पर्सन एक दूसरे पर्सन के सर डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ दिया नहीं सर। मतलब एक्सपोर्ट की सारी कंडीशन ही पूरी करते हैं। अब एक्सपोर्ट की कंडीशन अगर पूरी करते हैं ऐसे केस में सिंस इसने LUT साइन कर दिया, जीरो रेटेड सप्लाई है, आपको कोई GST पे करने की जरूरत नहीं, तो लायबिलिटी में ऐड होगा भी नहीं साहब, ये कोई लायबिलिटी नहीं है। सेल ऑफ बिल्डिंग नॉट लेवेबल टू GST। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू वेरियस पर्सन, इंटरेस्ट जो लोन एडवांसेस पे इंटरेस्ट अन होता है दैट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम GST, कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, कोई लायबिलिटी नहीं आएगी साहब। वैल्यू ऑफ लीगल सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम एन एडवोकेट इन रिलेशन टू प्रोडक्ट ए, भाई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लायबिलिटी आएगी क्योंकि ये लॉयर की सर्विसेज है, हम रजिस्टर्ड है GST में, 20 लाख से ऊपर टर्नओवर है, तो ऐसे केस में लायबिलिटी तो आएगी, पर ये आउटवर्ड सप्लाई नहीं। हमके सब तो पूछा है आउटवर्ड सप्लाई पर लायबिलिटी कितना बेटा, ये तो हमारी इनवर्ड सप्लाई है, तो ये भी अभी कंसिडर नहीं करेंगे। और फिर दे रखा है कॉमन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज यूज्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेंशन्ड अबव, ये तो इनपुट सर्विसेज बेटा और इनपुट गुड्स है, तो इस पर भी लायबिलिटी की बात नहीं आती। तो तीन सप्लाई पर लायबिलिटी आती बेटा। तो सर 50 लाख प्लस 20 लाख प्लस 10 लाख तो 80 लाख, 80 लाख का टोटल टर्नओवर हुआ जिस पर लायबिलिटी आ रही, वो भी 12% लायबिलिटी आपकी आ रही है साहब, होता है कितना 9,60,000। तो देखिए ऑप्शन सी MCQ 1 क्या पूछता है बेटा, हाउ मच इज द ग्रॉस अमाउंट ऑफ GST लायबिलिटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ मेसर्स मंगल इंडस्ट्री लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो सर सी 9,60,000 इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, जीत गए आप 2 मार्क्स। आइए सर MCQ 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एग्जिम सप्लाई फॉर द पर्पजेज ऑफ रूल नंबर 42 ऑफ द CGST रूल्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। बच्चों क्वेश्चन को वापस ध्यान से सुनिएगा, एग्जिम सप्लाई नहीं पूछा इसने, केवल फॉर द पर्पज ऑफ रूल नंबर 42 क्या क्या एग्जिम माना जाता है बेटा। सर यहाँ पे रूल नंबर 42 का इनडेप्थ नॉलेज आपको चाहिए बेटा। सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एग्जिम सप्लाई फॉर द पर्पजेज ऑफ रूल नंबर 42, और आपको पता है क्या, अगर आपने कोई ऐसा आउटवर्ड सप्लाई किया है, अच्छा हम हमारा टेबल ओपन कर लेते हैं उससे भी आपको आइडिया लगता जाएगा। सर आपने ऐसा कोई आउटवर्ड सप्लाई किया है जिसमें रेसिपिएंट लायबल होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, तो ऑल्दो वो टैक्सेबल सप्लाई है उसमें रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, पर फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42 एंड 43 उस आउटवर्ड सप्लाई को एग्जिम सप्लाई माना जाता है बेटा। तो सर टर्नओवर ऑफ ए टैक्सेबल है, बी टैक्सेबल है, पर सी जो है ना बेटा ये टैक्सेबल तो है पर रिवर्स चार्ज में है, इसकी लायबिलिटी रेसिपिएंट की लायबिलिटी आती है, तो 42 और 43 रूल के पर्पस के लिए इसको एग्जिम सप्लाई में ऐड करेंगे, तो 30 लाख तो आपका एग्जिम सप्लाई में ऐड हो गया। एक तो साहब देन एक्सपोर्ट ऑफ ए साहब ये एग्जाम नहीं होता है, जीरो रेटेड सप्लाई है, कभी भी एग्जाम नहीं होती सर। देन कंसल्टेंसी सर्विसेज जो एक्सपोर्ट थी बेटा हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, अगेन एक्सपोर्ट है, जीरो रेटेड सप्लाई है, ये एग्जाम नहीं होता है, अगर ये एग्जाम होती भी तो भी जीरो रेटेड सप्लाई कभी भी एग्जाम में काउंट नहीं होता साहब। देन क्योंकि वहाँ ITC मिलता है। देन सेल ऑफ बिल्डिंग, बच्चों ऑल्दो सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ इम्यूबल प्रॉपर्टी साहब, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज कवर्ड इन Schedule 3, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, पर फॉर द पर्पज ऑफ रूल नंबर 42 और 43 इसको एग्जाम सप्लाई मानते हैं। और सर एग्जाम सप्लाई के पर्पस के लिए, रूल नंबर 42 के पर्पस के लिए और 43 के पर्पस के लिए वैल्यू क्या लिया जाता है बेटा सेल ऑफ बिल्डिंग में, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग के केस में जिस वैल्यू पे आपने स्टैंप ड्यूटी पे करी है, आपने एक्चुअली कितने में सेल किया उससे कंसर्न नहीं, जिस वैल्यू पे आपने स्टैंप ड्यूटी पे करी दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अगर आपने सेल किया है फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42 43, वैल्यू कैसे निकालेंगे, जिस वैल्यू पे आपने स्टैंप ड्यूटी पे करी, तो सेल ऑफ बिल्डिंग एग्जाम सप्लाई में आएगा, पर वैल्यू 1,10,00,000 आगे दे रखा है उससे कंसर्न नहीं है। आप देखिए ब्रैकेट में दे रखा है एक्सक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी ऑफ 5 लाख बींग 5% ऑफ वैल्यू। अब 5 लाख स्टैम्प ड्यूटी है जो 5% है, तो सर 100% कितना होगा बेटा, 5 लाख डिवाइड बाय 5% मतलब 1 crore, तो 1 करोड़ ध्यान रखिएगा बेटा, 1 करोड़ इज द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, जिस वैल्यू पे आपने स्टैम्प ड्यूटी पे करी दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग क्लियर फॉर द पर्पज ऑफ रूल नंबर 42 एंड 43। तो 100 लाख 1 crore इज द सेल ऑफ बिल्डिंग का वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ 42 रूल। ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू वेरियस पर्संस 6 लाख। अब इंटरेस्ट अर्न किया है, इंटरेस्ट एग्जिम सप्लाई ऑफ सर्विस है, पर फिर भी फॉर द पर्पज ऑफ रूल नंबर 42 और 43 इंटरेस्ट की
इनकम को जो एग्जम सप्लाई है उसको एग्जम में काउंट नहीं करते हैं रूल 42 और 43 के लिए बेटा, एक्सप्लेनेशन दिया है ये वाला। हाँ है ना बेटा, केवल बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी के लिए ही इसको टर्नओवर में एग्जम टर्नओवर में इंक्लूड करते हैं, पर इसको अदर पर्सन के लिए नॉर्मल पर्सन के लिए इंटरेस्ट ऑल्दो एग्जम्प्ट है फिर भी एग्जम सप्लाई में इंक्लूड नहीं करना है, तो 6 लाख इंक्लूड नहीं करेंगे। सेल ऑफ सिक्योरिटीज, नो डाउट सिक्योरिटीज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, पर फिर भी फॉर द पर्पज ऑफ रूल नंबर 42 एंड रूल नंबर 43 ये लिखा है कि सेल ऑफ सिक्योरिटी को एग्जम सप्लाई मानेंगे, पर वहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, 1% ऑफ सेल प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। अब परचेज प्राइस दिया 45 लाख, कोई कंसर्न नहीं है, सेल प्राइस कितना है 50 लाख, 50 लाख का 1% कितना होगा 50,000 रुपीज। हाँ है ना, वर्किंग नोट में लिखते जाओ बेटा, मतलब एग्जाम में वर्किंग नोट्स आर नॉट रिक्वायर्ड बट यस रफ में तो लिखना पड़ेगा ना, वरना मिस कर दोगे आप कुछ ना कुछ पॉइंट। तो 50,000 इज द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, ऐड कर दिया। वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ लीगल सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम एन एडवोकेट, सब ये कोई आपका आउटवर्ड सप्लाई है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कॉमन इनपुट, इनपुट सर्विस जो परचेज किया आपने, ये भी आपका आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, खत्म। तो आपने 30 लाख जो सी का टर्नओवर था वो 100 लाख जो बिल्डिंग सेल करा उसका वैल्यू और सिक्योरिटीज का सेल प्राइस का 1% 50,000, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1 crore 30 lakh 50,000 इज द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ रूल नंबर 42 एंड 43। बच्चों बहुत सारे फ्रेंड्स यार रूल नंबर 42 और 43 को पढ़ तो लेते हैं पर इनडेप्थ नहीं पढ़ पाते, कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ पाते, तो वहां पे जिन लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा एक बार वापस रूल नंबर 42 43 रिवाइज करें और वहां पे देखिए कि एग्जाम सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता है, और अकॉर्डिंगली आपका आंसर आएगा। एमसीक्यू नंबर 2 का आंसर देखिए, ऑप्शंस में कहां दे रखा है 1 crore 30 lakh 50,000, यस बी, बी इज द करेक्ट आंसर, 1 crore 30 lakh 50,000 इज द करेक्ट आंसर। तो सर यस हम जीत गए 2 marks और हम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, 4 mark तो आ गए हमारे बच्चों। आइए एमसीक्यू नंबर 3, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42 ऑफ सीजीएसटी रूल्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ओहो टोटल टर्नओवर क्या होगा, आइए वापस से वही हम शीट देख लेते हैं, वो जो कैलकुलेशन पूरा दे रखा है, फिगर्स दे रखे, हम देखते हैं कैलकुलेट करते हैं। टोटल टर्नओवर पूछा है बेटा, अब इसमें एग्जाम टर्नओवर भी आएगा, टैक्सेबल भी आएगा, सारा आएंगे बेटा। तो सर एक ही टर्नओवर ऐड करते जाओ, सर टर्नओवर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, टोटल टर्नओवर पूछा है, तो 50 लाख प्लस 20 लाख, अरे समझ रहे हो ना आप, देन सी का टर्नओवर 30 लाख, ओके, देन एक्सपोर्ट ऑफ ए, बेटा एक्सपोर्ट किया आपने, क्लियर, ये भी वैल्यू का पार्ट बनेगा, टर्नओवर का पार्ट बनेगा 10 लाख, एक्सपोर्ट के केस में आईटीसी मिलता है बेटा, टोटल टर्नओवर का पार्ट बनेगा। कंसल्टेंट सर्विस जो आपने एक्सपोर्ट करी है वो भी एक्सपोर्ट का पार्ट बनेगा, 60 लाख ऐड करिए बेटा उसमें भी। सेल ऑफ बिल्डिंग, यस एग्जाम सप्लाई में हुआ था तो टोटल में भी आएगा बेटा, पर वैल्यू क्या था, 1 crore, याद है आपको बेटा, जिस वैल्यू पे स्टैंप ड्यूटी पे करी 1 crore। देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट पर एग्जाम में काउंट नहीं किया, पर टोटल में तो काउंट करेंगे बेटा। देखिए जो एक्सप्लेनेशन एड हुआ उसने बोला था कि इंटरेस्ट की जो इनकम है, जो आप लोन्स एडवांसेस भी देते हो उस पर जो लोन्स और एडवांस आपने दिए है उस पर जो इंटरेस्ट अर्न किया है वो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, पर एग्जाम सप्लाई में इंक्लूड नहीं करना है, पर टोटल टर्नओवर में तो ऐड करना पड़ेगा, तो 6 लाख आपको टोटल टर्नओवर में ऐड करना पड़ेगा। ओके, देन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, 1% ऑफ सेल प्राइस ऑफ सिक्योरिटी 50,000 रुपी, क्योंकि 50 लाख का 1% कितना होता है 50,000, यस। देन वैल्यू ऑफ लीगल सर्विसेज रिसीव्ड है, रिसीव इनवर्स सप्लाई है, सब कोई दिक्कत नहीं, टर्नओवर में ऐड नहीं होगा। देन कॉमन इनपुट और इनपुट सर्विस, ये भी इनवर्स सप्लाई है, टर्नओवर का पार्ट नहीं है, तो टोटल टर्नओवर आ गया आपका कितना, 2 crore 76 lakh 50,000। What is the total amount of turnover? What is the amount of total turnover for the purpose of rule number 42? देखिए 2 crore 76 lakh 50,000 है क्या? Yes, D is the correct answer. और बन गए हम सर 2 marks पति, 2 के पति नहीं होए, 2 marks पति, मतलब करोड़पति की जगह 2 marks पति, ओके, तो टोटल 6 marks आपके आ गए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड टू बी अवेल्ड आफ्टर रिवर्सल इफ एनी एज पर रूल नंबर 42 ऑफ सीजीएसटी रूल्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। सर टोटल टर्नओवर आपने निकाल लिया 276,50, एग्जाम टर्नओवर हमने निकाल लिया था ऊपर वाले एमसीक्यू नंबर 2 में बेटा, और इसने पूछ लिया क्या नेट एलिजिबल आईटीसी कितना रहेगा बेटा। आइए आइए सर, अगेन हम इस टेबल पे आ गए क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के लिए आ गए हम। आप देखिए इनवर्स सप्लाई कौन कौन सा है, पहले तो देखिए एलिजिबल आईटीसी कौन कौन सा है,
इनवर्ड सप्लाई में आएंगे तो लास्ट दो पॉइंट जो है वो इनवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग है। वैल्यू ऑफ लीगल सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम एन एडवोकेट इन रिलेशन टू प्रोडक्ट ए, तो आपने ये 5 लाख की वैल्यू ऑफ लीगल सर्विस है बेटा, 5 लाख का आईटीसी नहीं है, बहुत बार गलती हुई थी बेटा, वैल्यू ऑफ लीगल सर्विस है। तो 5 लाख की अगर आपने लीगल सर्विस ली है तो उसका 18% सर्विसेज पर रेट कितना, 18%, तो 90,000 आपने जीएसटी पे किया होगा अंडर रिवर्स चार्ज। अब ये आपके लायबिलिटी में ऐड होगा 90,000 और आरसीएम की लायबिलिटी में, और 90,000 का आपको आईटीसी भी मिलेगा। पर हाँ बच्चों, सीन्स यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है कि दिस इज इन रिलेशन टू प्रोडक्ट नंबर ए ओनली, और ए इज टैक्सेबल सप्लाई, तो सर ये कॉमन सप्लाई नहीं है, ये टैक्सेबल में काम आया, सारा आईटीसी मिलेगा, कोई प्रोपोर्शनल रिवर्स नहीं करना है, तो 90,000 तो पूरा मिल गया आईटीसी साहब। सेकंड, कॉमन इनपुट एंड कॉमन इनपुट सर्विसेज यूज्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेंशन अबव। वैल्यू ऑफ इनपुट है 60 लाख, वैल्यू ऑफ इनपुट सर्विस है 40 लाख। बच्चों अगेन देर बोल रहा हूँ, यहाँ वैल्यू दिया है, टैक्स का अमाउंट नहीं दिया है, गलती हुई थी कई बार जल्दबाजी में, क्योंकि एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू तो हम फटाफट सॉल्व करने में लगते हैं, पहुंच जाएंगे चांद पे, ध्यान रखना बिना चांद की। ओके, जल्दी मत करना आप लोग। सर 60 लाख इज द वैल्यू ऑफ इनपुट, तो सर 60 लाख इंटू 12% इज द रेट ऑफ टैक्स, तो 720 आता है बेटा, 720,000। ओके, 60 लाख का 12% 720,000, एंड 40 लाख जो वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई है उसका भी 18%, क्योंकि सर्विसेज रेट कितना है 18%, 720 इज द टैक्स का अमाउंट, तो कितना हो गया बेटा 720 प्लस 720 टोटल 14 लाख 40,000। अब 14 लाख 40,000 इज द टोटल टैक्स विच इज पेड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस विच आर कॉमन। अब कॉमन इनपुट सर्विस के केस में आपको पता है सर, एक बार आईटीसी आप अवेल करेंगे फिर रिवर्स करना पड़ता है बेटा आपको। अब रिवर्स कितना करेंगे, एग्जम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, ई अपॉन एफ, याद आया बेटा आपको, तो 14 लाख 40,000 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय ई, ई मतलब एग्जम टर्नओवर बेटा। अच्छा, एग्जम सप्लाई हमने एमसीक्यू नंबर 2 में देखा बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एग्जम सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ रूल 42, वो हमने निकाला कितना 1,30,50,000, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1,30,50,000 से, या 1,305 से भी कर सकते हो आप, क्लियर। डिवाइड करेंगे किससे, टोटल टर्नओवर से, और टोटल टर्नओवर हमने एमसीक्यू नंबर 3 में देखा बेटा, टोटल टर्नओवर था कितना 2,76,50,000 बेटा, तो आप चाहे तो डिवाइड बाय 2,765 भी कर सकते हो सर, तो आपका आंसर आया कितना 6,79,638.33, तो राउंड ऑफ करके 638 देख लीजिए, ये रिवर्स करना पड़ेगा बेटा। अच्छा, कई बार जल्दबाजी में यही आंसर लिख के आए थे, अरे पूछा क्या क्वेश्चन, नेट कितना मिल रहा है आईटीसी आपको, ये आपको आईटीसी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, हाँ है ना बेटा। तो सर अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ने क्या पूछा, एमसीक्यू नंबर 4 ने, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड टू बी अवेल्ड आफ्टर रिवर्सल इफ एनी एज पर रूल नंबर 42 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, कितना नेट आईटीसी आपको मिलेगा ना रिवर्सल के बाद। तो सर 14,40,000 आईटीसी हमने अवेल किया, उसमें से रिवर्स कितना करना बेटा 6,79,638 लेस कर देंगे तो 760,362 आएगा, प्लस वो 90,000 भूल मत जाना रिवर्स चार्ज वाला आईटीसी बेटा, जो प्रोडक्ट ए में काम आया था केवल, प्लस 90,000, तो अमाउंट आएगा 8,50,362। सर 8,50,362 फिगर दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर बी, एमसीक्यू नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी, 8,50,362 इज द करेक्ट आंसर। सो बी इज द करेक्ट आंसर, माहौल 2 मार्क और आ गए, हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व। अब देखो बेटा, आपने अगर एग्जिम टर्नओवर सही नहीं निकाला, टोटल टर्नओवर अगर सही नहीं निकाला, तो एमसीक्यू नंबर 4 तो गलत ही होने वाला था बेटा आपका, क्लियर। सो वी शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट ऑल द प्रोविजंस, बहुत अच्छे से पढ़ना है। आइए एमसीक्यू नंबर 5, जो लास्ट एमसीक्यू है इसके स्टडी का, दिल थाम के देखिएगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट जीएसटी पेएबल इन कैश इफ एनी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, अरे सर जुलाई में कितना आपको टैक्स पे करना है, क्लियर। तो सर सबसे पहली बात, आपको सर टोटल आईटीसी कितना बेटा आपके पास, 850,362 इज द नेट आईटीसी विच इज अवेलेबल विथ यू, लाइब्रेरी देख लो आपकी बेटा, क्लियर, लाइब्रेरी से लेस कर देना इसको आप। अच्छा, हमने एमसीक्यू नंबर 1 में भी कुछ देखा था क्या बेटा, एमसीक्यू नंबर 1 में भी देखा था हमने बेटा, एमसीक्यू नंबर 1 में क्या था, हाउ मच इज द ग्रॉस अमाउंट ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ मेसर्स मंगल इंडस्ट्रीज,
सर तो आउटवर्ड लाइबिलिटी कितना है बेटा इसका? हमने आंसर निकाला था सी, मतलब 9,60,000। तो 960 इज द आउटवर्ड लाइबिलिटी बेटा। अब 9,60,000 में से नेट आईटीसी कितना अवेलेबल है आपके पास? 8,00,000, 8,50,000, 352,852। सर ये लेस करेंगे तो आपको आएगा 1,09,638। ये नेट लाइबिलिटी है आउटवर्ड सप्लाई का। अब एक इनवर्ड सप्लाई भी तो थी, रिवर्स चार्ज वाली, भूल मत जाना जल्दबाजी में। एमसीक्यू सोल्व करते ना डायरेक्ट कैलसी भी कैलकुलेशन कर लेते, बहुत सारे लोग गलती कर देंगे। तो सर आरसीएम का लाइबिलिटी 90,000 भी ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी पेबल इन कैश होता है हमेशा। क्लियर? तो 199,638 इज द करेक्ट आंसर। सो ए ए इज द करेक्ट आंसर, 199,638। जी हाँ, बन गए हम करोड़पति। और सर ये 10 मार्क का मुझे लगता है कि एमसीक्यू होना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे वर्किंग थी, इन डेप्थ वर्किंग थी और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर? आई होप यू गॉट द एंटायर फंडामेंटल। बच्चों अगेन एक ही मैसेज, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने प्रोविजंस अच्छे से पढ़े, तो सर क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, भले ही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाए, बड़ा एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए केस स्टडी बेस, या कोई बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए, अरे सर आंसर सबके एक तरीके से निकलते हैं, एक ही तरह से। प्रोविजंस थोड़े चेंज होते हैं बेटा यार, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, पर सर न प्रोविजन कभी चेंज होते हैं, न उनके आंसर कभी चेंज होंगे बच्चों। सो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स बेटा। पर हाँ, एट द सेम टाइम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है। दैट्स वाई दीज एमसीक्यू बेस्ड, दीज केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज विल हेल्प फॉर यू ऑल गाइज। सो पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़े, और सर इनसे अपना कॉन्फिडेंस पॉजिटिव एनर्जी के साथ बढ़ाइए आप। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच माहौल। सर पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताते रहिए कि ये लेक्चर देख लो, मजा आ जाएगा सर, टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी। और हाँ, शायद इन एमसीक्यू के साथ में आपके वो रिलेवेंट प्रोविजंस भी रिवाइज हो रहे होंगे जिनके रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लियर? थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। जय हिंद, थैंक यू।